वेताल विक्रम के कंधे पर चलता था बैठकर, और जब वेताल को लगता था उसकी मंजिल आ गई तो वेताल उड़ जाता था। राजभर वही वेताल है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है और ये भूचाल बीजेपी के अंदर खाने से होता हुआ पहुंच गया सीधे समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को लेकर एक पत्र जारी किया, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस लेटर के सामने आने के बाद चर्चाएं तेज हो गई कि अब सुबह सपा और समाजवादी पार्टी में गठबंधन टूट जाएगा। शिवपाल भी सपा से लंबे समय से खफा चल रहे थे, ये तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अब इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही ऐसा है, जिसका भी हाथ पकड़ा उसका हाथ झटक भी दिया है। पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो वो अपने सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है, जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशवदेव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उसने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। वहीं सपा के लेटर जारी करते ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आप पिछड़े वर्ग के किसी भी नेता के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप चाहते हैं कि ओबीसी का कोई दूसरा बड़ा नेता ना हो। आप पिछड़ों के विरोधी हैं। जब आप सीएम थे तब ओबीसी के किस नेता को डिप्टी सीएम बनाया? पिछड़ों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ। वहीं प्रतिक्रिया देने की रेस में AIMIM भी पीछे नहीं थी। समाजवादी पार्टी गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के अलग होते ही AIMIM प्रवक्ता आसिम वकार ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। राजभर की पार्टी के 6 विधायक बनाने में मुसलमानों की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इसके लिए राजभर की पार्टी को वोट दिया क्योंकि सपा के साथ थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो राजभर को बेताल तक बता दिया, जो राजनीति के लिए विक्रम के कंधे बदलते रहते हैं। अभी अभी टेलीविजन पर एक खबर चल रही है कि राजभर साहब और शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन से आजाद कर दिया, यानी गठबंधन फिनिश। हंसी इस बात पे आ रही है कि राजभर जो 6 विधायक लिए हुए हैं, इन विधायकों में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान, और उन मुसलमानों ने राजभर को इसलिए वोट दिया था कि वो समाजवादी के साथ थे। अब जवाब दे तो अखिलेश जी हो गए कि आपने ऐसे आदमी को अपने गठबंधन में लेकर वोट क्यों दिलवाए। हम लोग बचपन में एक कहानी सुना करते थे विक्रम और वेताल की। वेताल विक्रम के कंधे पर चलता था बैठकर, और जब वेताल को लगता था उसकी मंजिल आ गई तो वेताल उड़ जाता था। राजभर वही वेताल है, वेताल की राजनीति है। और यहां तक पहुंचने में राजभर साहब ने न जाने कितने विक्रम के कंधों का इस्तेमाल किया। जब से सपा की ओर से लेटर जारी हुआ है तब से ही जहां पूरी यूपी की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, वहीं बीजेपी की तरफ से और साथ ही साथ अन्य दलों की तरफ से भी लगातार शिवपाल ओम प्रकाश राजभर को लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तो शिवपाल और ओपी राजभर को लेकर सिंपैथी भी दिखाई जा रही है। ओपी राजभर तो साफ कर चुके हैं कि वो बसपा के हाथी पर सवार हो जाएंगे, लेकिन शिवपाल का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।